आगामी लोकसभा चुनाव और गांधी विधानसभा का उपचुनाव को लेकर सोमवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने किया। इस बैठक में विभिन्न कोषांगों के अधिकारी, राजनीतिक पार्टी के नेता उपस्थित रहे। इस दौरान डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन को लेकर बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया और चुनाव से संबंधित कई जानकारियां दी। कहा कि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा का उपचुनाव सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकता है, इसलिए आप सभी की जिम्मेवारी बनती है कि इस महापर्व में अपना योगदान दें। डीसी ने कहा कि चुनाव से संबंधित जो भी गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया है, इसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। आज गिरिडीह जिला उपायुक्त के द्वारा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में जितने भी जो बातें जो उपायुक्त महोदय के द्वारा या जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन आया हम लोगों के बीच में, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो भी किया जो भी आया है, और हम लोग फुल्ली अपनी हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूरी तैयारी हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमने प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भी हम लोगों ने आपस में ये भी लिया हुआ है कि हम लोग चुनाव में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी हम लोग आशा रखते हैं कि वो मतदाताओं के प्रति अपनी जो संवेदना उस पर भी अपना वो ध्यान रखेंगे। लोकसभा चुनाव पर और गांडे विधानसभा के उपचुनाव पर गिरिडीह जिला स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया, क्या करना है राजनीतिक दलों को, क्या करना है प्रशासनिक अधिकारियों को, कैसे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, इसमें एक दूसरे से जानकारी दी गई और लोगों के विचार भी सुने गए और गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरीके से पूरे सभी राजनीतिक